you're watching Expose India. बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 साथी लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये लुटेरे 29 अगस्त को कानपुर में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बेहोश करके ट्रक लेकर फरार हो गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए DIG मनोज तिवारी ने आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश जारी कर दिया था। इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस ने ट्रक और एक युवक को महाराष्ट्र से बरामद किया। 12 सितंबर को मुखबिर की सूचना से पुलिस को पता चला कि ट्रक लूट के आरोपी बांदा के कनवारा इलाके पर एक बार फिर लूट के इरादे से छिपे हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख आरोपियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3 तमंचे, कारतूस और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये तीनों ही बड़े ही हार्डकोर अपराधी हैं। सबके खिलाफ तमाम आपराधिक मामले हैं। ये जो बबलू गटर है इसके खिलाफ 22 मुकदमे हैं। आसिफ के खिलाफ भी 9 मुकदमे हैं और ये जो सोनू है इसके खिलाफ भी 9 मुकदमे हैं। इस जानकारी को जनपद महोबा के पुलिस से साझा किया गया है। अग्रिम कार्रवाई इनके द्वारा भी की जा रही है और हम लोग भी इस प्रयास में हैं कि अगर इनके और साथी जो फरार हैं उनकी भी गिरफ्तारी